My dear students, I am Shyam Kulshrest, math teacher from SKD Public School. आज मैं तुम्हें polynomial की very important exercise है 2.5. इसमें कई types के questions हैं, तो उसको मैं समझा रहा हूँ. Formula मैंने शुरू की video में ही आपको लिखवा दिए थे. Okay, अब देखो इसका एक example लेते हैं हम. x प्लस 4 और x प्लस 10. हमने इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है. आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, x प्लस a x प्लस b का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ए बी. तो यहाँ ए क्या है 4 और बी क्या है 10. ओके, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स और 4 इंटू 10, क्योंकि ए क्या है 4, बी क्या है 10. एक्स स्क्वायर 10 और 4 14, एक्स प्लस 10 4 जा 40. ये इसका आंसर हो गया. तो इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 10. ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें इस टाइप का कि हमें 103 का मल्टीप्लाई 107 में करना है. तो हम सिंपली मल्टीप्लाई जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा आएगा कि यूज आइडेंटिटी. तो हम इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3. 100 प्लस 3 इक्वल क्या हो गया 103. इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7. ओके, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 3, 100 प्लस 7. तो यहाँ x मान लो आप 100, a क्या है 3 और b क्या है 7. ये इसमें जो आइडेंटिटी यूज करनी थी वही इसमें करनी है. तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7. यहाँ इधर सॉरी 100 है. अब यहाँ x की जगह क्या आएगा 100 प्लस 3 इंटू 7. ये आइडेंटिटी यही वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी. 100 का स्क्वायर खोला 3 प्लस 7 10, 10 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो 1000 और 7 3 जा 21. अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, 0 देखो इधर 1 0 0 1 2 प्लस 0 प्लस 0 2. अब 0 प्लस 0 0 फिर 0 और ये आ गया हमारा 1 1 2 3 4 5 4 5. तो इसका आंसर क्या आ गया. ओके, 10021. आइडेंटिटी कौन सी लगी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है 100, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7. ओके, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये फैक्टराइज करना है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके,
अब यहाँ देखो, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। एक्स का क्या होगा, 3x स्क्वायर। फिर हमने इसका ले लिया प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, हम यहाँ ये मान के चलो कि ये तो ए है और ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या ले लेंगे, 3x, और वाई की जगह, बी की जगह वाई। अब देखो, 3 2 जा 6, ये आ गया पूरा 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और वाई का स्क्वायर ये। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, 3x, और बी क्या है, वाई। ये इसका हो गया फॉर्म। ओके, क्लियर हो गया। यानी हमें ये देखकर ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या करना है। अब इसमें 3 डिजिट है, ठीक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ क्या, एक्स वाई है और वाई भी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का इसमें देखेंगे स्क्वायर किस किस के बन रहे हैं। तो ये देखो, ये 3x का स्क्वायर बनना है, ये वाई का स्क्वायर बनना है। अब ये बचता है ये, तो फॉर्मूले में क्या आता है, 2 इंटू a इंटू b। 2 इंटू a क्या है, 3x, और b क्या है, वाई। ठीक है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है आपका। x+2y+4z। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको इसी का, बिकॉज a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा a² + b² + c² और प्लस 2ab, 2bc + 2ca। देखो, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो ए बी सी का यूज करो, अगर ए बी सी है तो एक्स वाई जेड का यूज करो। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बस, ए की जगह क्या है यहाँ, एक्स। तो ये हो गया x² बी की जगह क्या है, 2y+2y का होल स्क्वायर। देखो, जब भी ज़्यादा डिजिट मिक्स हों उसमें, जैसे कि 2 भी है और वाई भी है, दो टर्म हो गए इसमें, 1 और 2, तो उनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। इसी तरीके से सी की जगह क्या है, 4z का स्क्वायर। अब 2 इंटू a b, x(2y), अब +2bc, b की जगह क्या है हमारा, 2y, और c की जगह 4z। अब बचता है 2ca, c क्या है हमारा, 4z, और a क्या है, x। x का स्क्वायर सेम वही रहेगा, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4y² 4z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16z स्क्वायर। अब देखो, 2 2 जा 4 प्लस 4xy, इधर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8, जेड का एक्स में किया तो zx, ये आंसर आ गया। जब भी किसी वेरिएबल्स में कोई भी काउंटिंग नंबर जुड़ा हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखें और जो भी पावर है वो बाहर लिखें। बच्चे क्या करते हैं, 2y² है, इसको ऐसे लिख दिया, जब इसको खोलेंगे तो क्या कर देंगे, 4y² जबकि इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्क्वायर है सिर्फ इस पर लगा है, ना कि पूरे पर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर किस पर लगा है, पूरे पर लगा है।
टू पर भी है और वाई पर भी है, तो टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आ जाएगा, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह के इसी में फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन आ जाएगा, जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, 2a-3b का होल क्यूब को हमें सॉल्व करना है, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारी, x-y का होल क्यूब। तो इसका क्या था, x³-y³-3xy और ब्रैकेट में x-y, ये फॉर्मूला। अब x की जगह यहाँ क्या है, 2a, और y की जगह 3b। x बराबर क्या है, 2a, और y की जगह 3b। वैल्यू पुट कर देगा बस, 2a³-3b³-3 × 2a × 3b। एक्स की वैल्यू क्या है, 2a, 2a-3b। 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 = 8, a³। 3 का क्यूब 27, और b का क्यूब, अब इधर 3 × 3 = 9, 2 × 18, और इधर ब्रैकेट में सेम वही रहेगा। या तो आंसर आप यहीं छोड़ दो, या इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, 27b³। अब देखो इसका इसमें किया 18 × 2 = 36, ए का ए में किया तो क्या आ गया, a²b। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ, प्लस, 18 का इसमें किया तो कितना आया, 54ab², तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर हो गया? तो देखो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 2.4 वाले मैंने क्वेश्चन समझाए थे आपको, तो आप सभी के पास एनसीईआरटी होगी, तो आप उसमें से 2.4 कर लेना, और 2.5 ये मैं समझा रहा हूँ, तो इसके आप फर्स्ट टू सिक्स क्वेश्चन कर लेना, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं। जो समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। ओके, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।